परमपिता परमेश्वर की सबसे उत्कृष्ट कृति संसार में मनुष्य है और ज्ञान की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट कृति वेद है। दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को रचा है तो साथ साथ अपना उपदेश वेद भी रचा है, वेद का ज्ञान भी हमें दिया है और वेद का ज्ञान हमें अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, जीवन को अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दिया है। बहुत सारे उपदेश वेद में हमें मिलेंगे और एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा उपदेश दिया। अनेक बार आपने जो मंत्र मैं रखने जा रहा हूं सुना होगा, बहुत पहले से हमारे बड़े बड़े विद्वान इस मंत्र के ऊपर बोलते रहे हैं, व्याख्यान देते रहे हैं। एक मंत्र का पद आपने सुना होगा, मनुर्भव। मनोरभव इस वाक्य को लेकर के विद्वान लोग अपने प्रवचनों को बोलते रहे हैं। मनोरभव अर्थात मनुष्य बन, और विद्वान कहते हैं कि वेद ने कुछ और बनने की बात नहीं की। आज हम देखते हैं पूरे संसार में दो समुदायों का बहुत बड़ा बाहुल्य होता जा रहा है और वो समुदाय दूसरे इतर मनुष्य समुदाय को अपने में मिलाने की, अपने में बढ़ाने की बात करता है और बढ़ा रहा है। वेद ने नहीं कहा कि मुसलमान बनो और मुसलमान बनाओ, वेद ने नहीं कहा ईसाई बनो और बनाओ, वेद ने नहीं कहा जैनी बनो और जैनी बनाओ, वेद ने नहीं कहा बौद्ध बनो और बौद्ध बनाओ, वेद ने नहीं कहा हिंदू बनो और हिंदू बनाओ। वेद का एक छोटा सा बहुत विशेष वाक्य परमेश्वर हमें उपदेश दे रहा है, मनुर्भव मनुष्य बनो। और मनुष्य बनने के बाद बनाना क्या है, वेद बहुत उत्कृष्ट हमें उपदेश दे रहा है, जनया दैव्यम जनम। मनुष्य तो बनेंगे लेकिन मनुष्य बनने के बाद एक मनुष्य को पैदा नहीं करना है, पैदा करना है तो देवता को पैदा करना है। दैव्यम जन्म, मनुष्य बन करके देवता को पैदा करो। और ये पैदा कब होंगे, मनुष्य कैसे बनेगा, इसी मंत्र में परमेश्वर ने उपदेश दिया। तंतुम तन्वन रजसो भानुम अन्विही ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान अनुलवरम वयतो जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। ये पूरा मंत्र है। दो तीन बातें मनुष्य बनने के लिए इस मंत्र में कही हैं। उससे पहले परमेश्वर ने उपदेश दिया तंतुम तन्वन रजसह। रजसह का अर्थ महर्षि दयानंद जी स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में रजसह पद आया तो वहां भी वैसा ही अर्थ और यहां भी विद्वानों ने उसी प्रकार का अर्थ किया, अर्थात संसार। संसार के तन्वम ताने बाने को बुनते हुए, अर्थात जिस स्थिति में हम हैं, जिस आश्रम में हम हैं, जिस वर्ण के हम हैं, उसी के ताने बाने को बुनते हुए अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए
अगली दो तीन बातें कही हैं, कहने लगे वो करने लग जाओ। आज वर्तमान में उपदेश क्या होता है, बड़े बड़े गुरु लोगों के मुख से भी सुना, जो लाखों के शिष्यों के वो आदर्श बने हुए हैं, वो भी ये कहते सुने कि घर बार छोड़ो, किसकी पत्नी, किसका भाई, किसका पति, किसकी माँ, किसका पिता, सब छोड़ो और गुरु की शरण में आ जाओ। उपदेश चलता है उनका, वो सारा का सारा हम देखेंगे वेद के आधार पर निरर्थक उपदेश मिलेगा। वेद नहीं कहता कि घर बार छोड़ दो, वेद कह रहा है कि जिस स्थिति में है अपने ताने बाने को बुनते हुए विस्तार करते हुए अगली बातें हम करने लग जाएं। कौन सी? भानुम अनविही। एक बात कह दी वेद ने कि मनुष्य बनना है और देवता पैदा करने हैं, तो भानुम अनविही। भानुम अर्थात भानु सूर्य को कहते हैं और अनविही उसका अनुसरण करने लग जाएं। सूर्य का अनुसरण करें अर्थात प्रकाश का अनुसरण करने लग जाएं। जब व्यक्ति प्रकाश का अनुसरण करेगा तो निश्चित रूप से मनुष्य बनेगा। जब व्यक्ति अंधकार को छोड़ता है और प्रकाश की तरफ चलता है अर्थात अविद्या के अविद्या रूपी अंधकार को छोड़ता है और विद्या रूपी प्रकाश को पकड़ता है, निश्चित रूप से मनुष्य बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। पूरे विश्व के अंदर ऋषि दयानंद जी देखते हैं, जितना स्वामी दयानंद जी ने इस आर्यवर्त देश की संस्कृति, सभ्यता, विद्या, ऋषियों के ऊपर नाज किया, मुझे नहीं लगता कि आधुनिक जो महापुरुष हुए उन्होंने इतना नाज किया हो। ऋषि दयानंद इस भारतीय संस्कृति को, भारतीय जो प्राचीन ऋषि विद्वान हुए उनको, जो इस देश में वीर पुरुष पैदा हुए उनके ऊपर बहुत नाज रहा है ऋषि को। हम जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं 11वें समुलास में ऋषिवर देव दयानंद जी इस आर्यवर्त देश की बहुत बड़ी प्रशंसा करते हैं और उस प्रशंसा करते हुए ऋषि लिखते हैं कि हमने सुना है पारसमणि पत्थर होता है और पारसमणि पत्थर को छूने से कहते हैं लोहा सोना बन जाता है। ऋषि लिखते हैं कि ये बात तो झूठी है, लेकिन यथार्थ में पारसमणि पत्थर कौन है? पारसमणि पत्थर ये आर्यवर्त देश है, जिस देश को दरिद्र विदेशी जो दूसरे देश हैं छूने मात्र से धनाढ्य हो जाते हैं। ऋषि देख रहे हैं कि इस देश में ज्ञान का भंडार था, इस देश में धन धान्य का भंडार था, ऐश्वर्य का भंडार था, लेकिन ये देश दुर्गति को प्राप्त हुआ। ऋषि दयानंद जी की टीस थी। क्यों हुआ? क्योंकि इस देश के वासियों ने अंधकार का अनुसरण किया, प्रकाश को छोड़ दिया। जब तक प्रकाश की तरफ चलता रहा तब तक देश दुनिया का शिरोमणि बना रहा और जब से इस आर्यवर्त देश ने अंधकार का अनुसरण किया है सबसे दरिद्र हम हो गए, सबसे नीचे हम आ गए। विद्वान क्या लिखते हैं इस देश की दुर्गति के ऊपर? पीछे शायद सुनाया हो, माने इतना अविद्या अंधकार इस देश के वासियों में छाया, पुरुषार्थ को छोड़ करके निठल्लेपन में, कल स्वामी जी जैसा कह रहे थे, पुरुषार्थी मेहनती उत्साही व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन हमने कुछ बातों को लेकर के कि करने धरने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ परमात्मा कर देगा अथवा हमारे पाप कर्म ऐसे ही करते चले जाएंगे, और आलस्य प्रमाद हमारे घर कर गया। और जब हमारे अंदर आलस्य प्रमाद ने घर किया, विद्वानों ने लिखा, सुनाया होगा, कहने लगे कि यदि ईश्वर पैसे के बल पर मिल रहा होता, धन के बल पर ईश्वर मिल रहा होता, तो आज ईश्वर अमेरिका के पास होता, अमेरिका धनाढ्य होगा जिस समय ये बातें लिखी उन्होंने। यदि ईश्वर पैसे के बल पर मिल रहा होता तो अमेरिका अपनी मुट्ठी में उस ईश्वर को कर लेता। कहने लगी यदि ताकत के बल पर ईश्वर मिल रहा होता तो उस समय ताकत रूस के पास थी, कह रहे कि रूस अपने कब्जे में ईश्वर को कर लेता। और यदि ईश्वर चालाकी और छल कपट से मिल रहा होता,
छल कपट करने से, चालाकियों से ईश्वर मिल रहा होता तो इंग्लैंड के पास होता। अंग्रेज बड़े चालाक और धूर्त थे जो यहां बैठे रहे, और कहने लगे यदि झूठ के बल पर ईश्वर मिल रहा होता तो पाकिस्तान के पास ईश्वर होता, उस जैसा झूठा देश नहीं देखा किसी ने। और अंतिम बात कह रहे हैं कि यदि आलस्य के बल पर ईश्वर मिल रहा होता तो आलस्य के बल पर मिलने पर कहां होता, व्यंग कर दिया कि भारत के पास ईश्वर होता। अर्थात हम इतने आलसी हुए, प्रमादी हुए, हमने प्रकाश का अनुसरण छोड़ा और अंधकार का अनुसरण किया, आलसी प्रमादी हो गए, देश की दुर्दशा हुई। भानुम अनविही, प्रकाश का अनुसरण करें। पीछे परोपकारी में एक लेख आपने पढ़ा हो, अपेक्षाएं किससे और कितनी, अपेक्षाएं किससे और कितनी। हम प्राय करके एक समुदाय बना लेते हैं, परिवार का, समाज का, संस्था का, अपने मित्र मंडली आदि का, और हम एक दूसरे से आपस में अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं, इच्छाएं जोड़ लेते हैं कि ये मेरी इच्छा को पूरी करे। लेकिन वो व्यक्ति इतना योग्य है या नहीं है, उसे हमें विचार में रखना होता है। यदि वो व्यक्ति योग्य है हमारी अपेक्षा पूरी करने में तो हम कुछ कर सकते हैं, और लेकिन वो व्यक्ति योग्य है नहीं, अथवा हमारी वो योग्य होते हुए अपेक्षाओं को जानता नहीं, तो हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम अपेक्षाएं बना लेते हैं। अपेक्षाएं किसको बनानी चाहिए, जब व्यक्ति स्वयं खरा उतर रहा हो, दूसरे से वो अपेक्षा कर सकता है। प्रकाश का अनुसरण है ये। महात्मा जी थे, सहनशील महात्मा थे, कुटिया में रहते थे, कुटिया में रहते हुए दूसरे भी साथी रहते थे उनके साथ। महात्मा जी ज्यादा सहनशील थे, दूसरे साथी हुड़दंग थे। फुहड़ शब्द है वैसे हुड़दंग, हुड़दंग अर्थात अफरा तफरी ही मचाए रहते थे कुटिया में। महात्मा जी ने सहन किया, और अफरा तफरी कितनी, महात्मा जी पुस्तक पढ़ रहे हैं और वो दूसरे साथी हड़बड़ाहट में हैं, कभी कुछ आवाज करते हैं, कभी कुछ आवाज करते हैं, कभी वहीं कुटिया में थूक भी देते हैं। अब एक व्यक्ति आराम से पढ़ रहा है और दूसरा व्यक्ति ऐसी क्रियाएं करे तो कैसा लगेगा, लेकिन महात्मा जी तो सहनशील हैं, सहन करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन महात्मा जी पुस्तक पलट रहे हैं, पुस्तक का पन्ना पलटते पलटते खड़खड़ा गया। जब पन्ना खड़खड़ाया तो वो जो हुड़दंग साथी क्या कहता है, कह रहे हैं स्वामी जी आप पन्ना बड़े आराम से पलटा करो, इस पन्ने की आवाज से मेरा ध्यान भंग होता है और मेरी पढ़ाई में बाधा होती है। अब हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति उस महात्मा से कितनी बड़ी अपेक्षा करके चल रहा है, और स्वयं का सारा अफरा तफरी में जीवन चल रहा है, दूसरे को देखता ही नहीं कि ये भी महात्मा है। ये बेचारे पढ़ते हैं, मौन होकर के पढ़ते हैं, सादा बड़े सरलता से पढ़ते हैं, उसके बाधा नहीं पहुंचा रहे, लेकिन एक पन्ना खड़क गया, उस पन्ने खड़कने में इसका ध्यान भंग हो रहा है और अपना जीवन नहीं देख रहा कि कितना उसको तंग करता है। क्या ये प्रकाश का अनुसरण होगा? व्यक्ति दूसरे से तो बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं बना लेता है, लेकिन स्वयं दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता तो वो अधिकारी नहीं है दूसरे से अपेक्षा करने का। महापुरुषों का जब जीवन देखते हैं, महापुरुष दो बातों को लेकर के चलते हैं। एक महापुरुष मर्यादा को लेकर के चलता है और दूसरा आदर्श को लेकर के चलता है। महापुरुष ऐसे नहीं बनते, दोनों बातें जिसके अंदर होती हैं वो महापुरुष की कोटि में आ जाता है। कभी भी वो महापुरुष मर्यादा को नहीं तोड़ता और साथ साथ आदर्श को स्थापित करता चला जाता है। उसके आदर्श भी बहुत विशेष होंगे।
ऋषि दयानंद जी जब मर्यादा की बात कहते हैं, हम देखें जब मर्यादाएं टूटती हैं, मर्यादाएं टूटती हैं तो अफरा तफरी मच जाती है। नदी जब चलती है, हम किसी नदी के किनारे जाते हैं और नदी अपने कूलों में अपने किनारों के अंदर सीमित रहती हुई चलती है, वो कलकल करती हुई, उसका पानी, उसका इठलाना बलखाना हमें बहुत अच्छा लगता है। उस नदी के किनारे घूमने पर हमें बहुत आनंद आता है, लेकिन वही नदी अपनी मर्यादा को तोड़ देवे अर्थात अपने किनारों को तोड़ करके और बाहर निकल पड़े तो क्या होता है? जब नदी अपनी मर्यादा तोड़ देती है, दोनों किनारों को तोड़ करके बहने लगती है तो सैकड़ों गांव बह जाते हैं, तबाही मच जाती है और वही नदी हमें भयानक दिखने लगती है, सुंदर नहीं दिखती। बाढ़ आ जाती है और बाढ़ में हजारों लाखों व्यक्ति मर जाते हैं, नदी का रूप ही बदल गया। क्यों बदल गया? मर्यादा तोड़ दी। जब वायु चलती है, मंद समीर वायु चल रही हो, सुगंधी उसमें हो, तो उस वायु में टहलना घूमना हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही वायु जब मर्यादा तोड़ करके तूफान का रूप धारण कर लेती है, अंधड़ का रूप धारण करती है, वही वायु भयानक रूप लेती है और वो वायु हमें अच्छी नहीं लगती। क्यों? मर्यादा तोड़ दी। जब जब मर्यादाएं टूटती हैं तब तब विघटन होते हैं। ऐसे ही जब हम मनुष्य मर्यादाएं तोड़ करके चलते हैं, निश्चित रूप से विघटन होंगे। महापुरुष वो होता है जो मर्यादा में बंद करके चलता है। ऋषिवर देव दयानंद जी का जब हम जीवन देखते हैं तो स्वामी दयानंद जी दोनों बातों में खरे उतरे हैं। कभी ऋषिवर देव दयानंद जी ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और दूसरा आदर्श को स्थापित करते चले गए। श्री रामचंद्र जी को हम क्यों इतना मानते हैं? क्यों लाखों वर्ष हो गए आज भी हम उनका उतने ही आदर से नाम लेते? रामचंद्र जी के साथ एक विशेषण जुड़ गया और वो विशेषण जुड़ करके जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, किसी और व्यक्ति विशेष का चित्र हमारे मस्तिष्क में नहीं उभरता, हमारे मन में कोई नाम उभरता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते ही एक ही नाम उभरता है, श्री रामचंद्र। क्यों उभरता है? मर्यादाओं का पालन किया, जीवन भर पालन किया, उन्हीं मर्यादाओं को देखते हुए भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर के तुलसीदास ने उसी राम को भगवान की कोटि में स्थापित कर दिया। तुलसी का राम अलग है और महर्षि वाल्मीकि का राम अलग है। तुलसी का राम तो भगवान हो सकता है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि का राम तो मनुष्य ही है, और मनुष्य होते हुए जो उस समय वो कर सकते थे वो बहुत किया है उन्होंने। कितना किया? विशेष प्रसंग राम का सुनाते हैं, राज्याभिषेक वाला। युवराज घोषित कर दिया, और जब युवराज घोषित किया है तो राम मनुष्य थे, भगवान नहीं थे, और मनुष्य होते हुए महर्षि वाल्मीकि ने राम के मन का चित्रण किया। युवराज घोषित हो गए हैं और युवराज घोषित होने के बाद कल तिलक भी होगा, रात्रि भर राम के मन में क्या क्या उभर रहा है? राम के मन में जो विचार थे वो महर्षि वाल्मीकि ने उकेर दिए, बाहर कर दिए, और कह रहे हैं कि राम सोच रहे हैं कि कल तू युवराज हो जाएगा, पूरे राज्य का अधिकारी होगा, तुझे कैसा कैसा प्रजा से बर्ताव करना है, लोग तेरे सामने किस प्रकार से व्यवहार करेंगे और तू प्रजा से कैसा व्यवहार करेगा, कल राजा बनने वाला है, परिवार के साथ राजा का कैसा संबंध होता है, पत्नी के साथ कैसा संबंध होता है, सारी विचार रामचंद्र जी कर रहे हैं। लेकिन जब प्रातःकाल होता है और वो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, क्या राम को दुख नहीं हुआ होगा? वाल्मीकि जी ने जरूर लिखा है कि राम के चेहरे के ऊपर कोई विपरीत रेखाएं नहीं दिख रही थी, बड़े शांत दिख रहे थे, और एक बात कह दी थी केकई को कि मेरी मां, इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पिताजी को तंग कर दिया आपने,
ये तो बहुत छोटी सी बात है कि तू मुझे वन में भेजना चाह रही है और भरत को राज्य देना चाह रही है, तो बहुत सामान्य बात है, और इतनी छोटी बात के लिए मेरे पिता को कष्ट दिया है, इसके लिए तो मुझे परेशानी है, लेकिन जो तू कहती है बड़े आराम से होगा, तेरी आज्ञा का पालन होगा। और तत्काल ऋषि लिखते हैं कि ये कितनी बड़ी मर्यादा होगी उनकी, बाहर प्रकट नहीं होने दिया। श्री रामचंद्र जी के जीवन में मर्यादाएं थी, मर्यादा पुरुषोत्तम कहने लग गए, महापुरुष मर्यादाओं को नहीं तोड़ते, ऋषिवर देव दयानंद जी भी मर्यादाओं में बंध करके चलते रहे। क्यों चलते रहे? भानुम अनविही, प्रकाश का जो सूर्य था, वेद रूपी सूर्य का अनुसरण ऋषि ने कर लिया था, और जब जब ऋषि को लगता था कि मैं गलत हूं, तत्काल छोड़ते थे और ठीक रास्ते पर फिर चल देते थे। जयपुर में ऋषिवर दयानंद जी ने वहां से जब निकल चुके थे, मिर्जानंद जी की कुटिया से निकले, घूमते हुए आगरा और इधर इधर होते हुए जयपुर में पधारे। जयपुर में वैष्णव मत का प्रचार अधिक हो रहा था। ऋषि दयानंद जी ने राजा से मिलकर के, राजा शैव थे, शैव मत का प्रचार शुरू कर दिया, और स्वामी दयानंद जी ने शैव मत का जब प्रचार शुरू किया तो रुद्राक्ष बांटते थे, और स्वामी दयानंद जी स्वयं कहते हैं, लिखते भी हैं कि मैंने अपने हाथों से हजारों लोगों को रुद्राक्ष पहनाए बांटे, और इतना प्रचार हो गया था वहां, कहते हैं घोड़ों के गलों में भी रुद्राक्ष की मालाएं मिलती थी। प्रचार किया शैव मत का, लेकिन कुछ ही दिन बाद शैव मत का भी खंडन करना शुरू कर दिया। राजा तो नाराज हुआ, स्वामी दयानंद जी से जब पूछा कि आपने ये क्या किया, ऋषिवर कह रहे हैं कि वो मेरी भूल थी जो मैंने ऐसा किया। अर्थात सरलता से अपनी भूल स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हुए फिर अपने रास्ते पर आते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजनीति में वो कूटनीति चल सकती है, लेकिन धर्म नीति में कूटनीति नहीं चलती। मैं धर्म नीति का अनुसरण करके चल रहा हूं। ऋषिवर भानुम अनविही, भानु का, प्रकाश का अनुसरण करके चल रहे थे। महापुरुष दूसरा अपना करके चलता है, आदर्श स्थापित करता है। हम भी अपने पूज्य आचार्य श्री को देखते हैं, ऋषिवर से तुलना नहीं कर सकते हम, लेकिन फिर भी हम आचार्य सत्यजीत जी को देखते हैं तो मर्यादाएं जीवन में दिखती हैं इनके। मर्यादाओं में बंध करके चलते हैं और एक एक क्रिया बंधी हुई दिखती है और आदर्श को स्थापित करते हैं। उठने बैठने से लेकर के बड़े बड़े व्यवहार तक ये इतना ध्यान रखना कि भी कोई गलत प्रस्तुति न हो जाए और मेरे इस क्रिया से गलत संदेश न चला जाए, आगे तक का सोच करके चलते हैं। ये आदर्श की प्रस्तुति है और हम इस आदर्श को ग्रहण कर सकते हैं, आदर्श को ग्रहण करके अपने जीवन को भी वैसा ही कर सकते हैं। व्यक्ति के पास मौके होते हैं और परमात्मा कुछ व्यक्तियों को मिला ही देता है ऐसे। भानुम अनविही, प्रकाश का हम अनुसरण करें, ये भी महापुरुषों का मिलना, विद्वानों का मिलना, सज्जनों का मिलना, धार्मिकों का मिलना, ये भी प्रकाश का ही अनुसरण है। ज्योतिष मतः पथो रक्ष धिया कृतान, ज्योतिष मतः अर्थात प्रकाश रूप जो मार्ग है, पथः धिया अर्थात बुद्धि के द्वारा जो प्रकाश युक्त मार्ग स्थापित किए गए हैं, उन मार्गों की हम रक्षा करें, उन मार्गों को बिगाड़ने का काम न करें। महापुरुषों ने अपने मनीषी, अपने बहुत उत्कृष्ट बुद्धि से उन्होंने जो मार्ग बनाए हैं, उन मार्गों की परमात्मा कह रहे हैं कि हम रक्षा करने वाले बने, विध्वंस करने वाले न बने। तीसरी बात कही है, अनुलवणम वयतः जोगुवामपः। जोगुवामपः वही मनीषी लोग ही यहां अर्थ किया है। उन्होंने जो जिन मार्गों का विस्तार किया, उनका हम भी विस्तार करें। दान देना बहुत श्रेष्ठ कर्म है। दान देता है व्यक्ति, उसको फल मिलता है, लेने वाले को भी फल मिलता है।
लेने वाले का काम बन जाता है और देने वाले का भी काम बनता है। लेने वाले के जो अपने करना चाहता है, संस्था का विस्तार, प्रचार, धर्म कार्य करना चाहता है, वो कर लेता है और देने वाले का पुण्य बढ़ जाता है। लेकिन दोनों के दोनों अक्षय तो नहीं है। पुण्य भी एक दिन नष्ट होना है और जो दान लिया है वो भी सारा खत्म हो जाना है। दोनों तो ज्यादा लंबे चलने वाले हैं नहीं। लेकिन ये बात सोच करके दानी ये सोचे कि पुण्य तो खत्म होने वाला ही है, क्या जरूरत है दान देने की, और लेने वाले ये सोचे भी कब तक लेते रहेंगे, खत्म होना ही है। लेकिन फिर भी दिया और लिया जाता है। वहां व्यक्ति ये तो सोचे कि मैंने एक रास्ता बना दिया है और इस रास्ते को बनाने के बाद दूसरे लोग कितने प्रेरणाएं लेंगे कि दान व्यक्ति देता है और देने से पुण्य बढ़ता है, भले ही उसका अक्षय फल नहीं है लेकिन रास्ता बन गया। रास्ता बनाने वाले श्रेष्ठ होते हैं। वो क्या कहा है, महाजनो गतः येन पंथ सपंथा। जिस मार्ग से महाजन चलते हैं, श्रेष्ठ लोग चलते हैं, वही मार्ग है और उसी मार्ग की सुरक्षा की जाती है, सुरक्षा करनी चाहिए। इसलिए वेद ने संदेश दिया, हम जो विद्वान लोगों ने मार्ग बनाया है उसका विस्तार करें, उसको छोटा न करें। अंत में मनुर्भव जनया दैव्यम जनम, हम मनुष्य बनेंगे और देवताओं को पैदा करेंगे।